नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पुनः क्लास 8 का न्यू रिलीजन चैप्टर को आगे करेंगे और ईच एंड एवरी सेंटेंस में हम लोग उसके ग्रामर को भी हिंदी मीनिंग विथ द ग्रामर यूज्ड इन ईच एंड एवरी सेंटेंस हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। It was all right for Pareksha to crack such jokes as she came to school by car. First sentence hai, aaj ka. It was all right for Pareksha to crack such jokes as she came to school by car. It, yahan pe pronoun nahi hai ye. It ko hum as a pronoun use nahi kiya gaya hai, balki it mera aisa sentence mein प्रोविजनल और टेम्प्रोरी सब्जेक्ट का काम करता है। इट वॉज ऑल राइट, यह था, बिल्कुल सही, ऑल राइट बिल्कुल सही, यह बिल्कुल सही था फॉर परीक्षा, परीक्षा के लिए, टू क्रैक कि क्रैक करें यानी कि उड़ाए, सच जॉक्स ऐसे मजाक, एज सी कैम वह आई, टू स्कूल विद्यालय, बाई अ कार एक कार के द्वारा वो आई। इस सेंटेंस में देखते हैं ये इट मेरा यहाँ पर टेम्प्रोरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है और वाज मेरा वर्ब है। इट वाज ऑल राइट, यह बिल्कुल सही था, फॉर मेरा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा एक नाउन ही होता है, याद रखेंगे इसको। फॉर परीक्षा, परीक्षा के लिए यह बिल्कुल सही था, टू क्रैक उड़ाए, सच जॉक्स ऐसे मजाक, परीक्षा के लिए बिल्कुल सही, परीक्षा के लिए बिल्कुल सही था कि वह इस प्रकार के मजाक उड़ाए। सच जॉक्स, सच मेरा यहाँ पर एडजेक्टिव हो रहा है, जॉक्स मेरा नाउन हो रहा है, इस तरह के मजाक उड़ाए। एज मेरा यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है। सी कैम वह आई, कैम मेरा भी टू है और सी मेरा सब्जेक्ट हो रहा है। सी कैम वह आई, टू स्कूल विद्यालय, अब टू के बाद कैम के बाद टू दिया गया है यानी कि कैम जो है मेरा ट्रांजेटिव वर्ब है, यानी कि कैम मेरा ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव वर्ब है और इंट्रांजेटिव वर्ब के बाद हमेशा एक प्रीपोजिशन लिखा जाता है, उसके बाद नाउन लिखा जाता है, यानी कि कैम टू स्कूल व विद्यालय आई बाई ए कार, एक कार के द्वारा। जब किसी के माध्यम से हम लोग आते हैं तो उसमें प्रीपोजिशन बाई जोड़ा जाता है, कार के द्वारा है। सी डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट टाइम लॉस्ट एंड फैटिग कॉज्ड बाई वॉकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस। सी डिड नॉट हैव टू वरी, डिड नॉट हैव टू वरी, शी मेरा सब्जेक्ट हो रहा है इसमें। शी डिड नॉट हैव, चूँकि ये पास में लिखा जा रहा है इसलिए डिड लगाएगा, डू डिड डन होता है। शी डिड नॉट हैव टू वरी, हैव टू वरी करना पड़ता था, हैव टू मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं हैव टू वरी, यानी कि हैव टू वरी उसको चिंता नहीं करना पड़ता था अबाउट बारे में, टाइम लॉस्ट जो समय बर्बाद होता है, समय टाइम और लॉस्ट बर्बाद होता है, एंड कंजक्शन हो गया फैटीग यानी कि थकावट, काउज्ड बाय वॉकिंग चलने के कारण, काउज्ड माने किसी के कारण, तो कारण क्या था, बाय वॉकिंग पैदल चलने के कारण इसको फैटीग होता था, थकावट हो जाता था ए लॉन्ग डिस्टेंस। वॉकिंग वो क्या कर रही थी, एक लंबी दूरी में पैदल चल करके ही स्कूल आती थी, इसलिए वो टाइम लॉस्ट तो होता ही था और फैटिक थकावट भी होता था। इस बात के लिए अबाउट, सी डिड नॉट हैव टू वरी, उसको चिंता नहीं करना पड़ता था। वेल ठीक है, हु हैज़ टाइम फॉर एसेज, हु हैज़ टाइम, हु मेरा यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड तो है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि किसी के बदले में हम लोग को जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हु का यूज़ करते हैं। हु हैज़ टाइम, किसके पास है, किसके पास है क्या समय,
हैज मतलब किसी के पास होना, जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, उसी तरह से यहाँ लिखा गया है हु हैज़ टाइम, किसके पास समय है फॉर एसेज, रचनाओं के लिए, यानी कि उसको जो रचना लिखना था उसके लिए कि उसके उसके लिए किसके पास समय है। स्नेहा सेड, स्नेहा ने कहा, ये भीटू है और स्नेहा मेरा सब्जेक्ट है, ये भीटू है। स्नेहा ने कहा, कैसे कहा, फीनिंग, फीनिंग इनडिफरेंस, फीनिंग मतलब बहाना करते हुए, प्रिटेंड करते हुए, इनडिफरेंस उदासीनता के साथ, मतलब उदासीनता बहुत गैरत से, बहुत बेमन से वो बहाना करते हुए बोली, ऐसा बोलना है। सेड फीनिंग, अब देखते हैं भीटू आ गया और फीनिंग मतलब होता है बहाना करना, आई एन जी लगा हुआ है, तो आई एन जी हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब बी फैमिली का वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, इस तरह इसके पहले रहे, तभी हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो ये मेरा या तो जिरांड होगा या फिर इन्फिनेटिव होगा, जिरांड होगा या फिर सॉरी जिरांड होगा या फिर पार्टिसिपल होगा। स्नेहा सेड, स्नेहा ने कहा, इनफीनिंग, अब सेड है, शेड मेरा वर्ब है, तो वर्ब का एक ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, इसलिए ये जिरांड हो गया, इसलिए ये जिरांड हो गया, इसको नाउन की तरह यूज किया गया है। शी शेड फीनिंग, वह उदासीनता के साथ बहाना करते हुए उदासीनता के साथ बोली, क्या बोली, ऑल दो, यद्यपि, ये कंजक्शन है। सी वॉन्टेड टू राइट, यद्यपि सी, जबकि वह, सी वह चाहती थी, वॉन्टेड चाहती थी टू राइट, टू राइट मेरा हो गया, यहाँ पर इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, इन्फिनिटिव जो नाउन की तरह वर्क करता है, इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। सी वॉन्टेड टू राइट, वह लिखना चाहती थी, जस्ट ए मिनट, वह लिखना चाहती थी, चलिए आगे करते हैं। शी एज सी वॉक्ड टू हर ट्यूशन दैट इवनिंग, थिंकिंग अबाउट द एशे सी हैड टू नेगोशिएट मेनी मड पडल्स एंड काउ पेट्स, एज सी वॉक्ड टू हर ट्यूशन दैट इवनिंग, एज मेरा यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, एज मेरा कंजक्शन का है। सी वह वॉक्ड, पैदल चली, टहलते हुए चली, तो सी मेरा हो गया सब्जेक्ट और वॉक्ड मेरा हो गया वर्ब। देखिए बच्चों, एक बात हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट एटलीस्ट हमें सीखना जरूरी है, और इसके अलावा सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इम्परेटिव बनाने के लिए हम लोग उसमें एडजेक्टिव जोड़ते हैं, प्रीपोजिशन जोड़ते हैं, या फिर एडवर्ब जोड़ते हैं, एक्स्ट्रा हम लोग जोड़ते हैं। तो जैसे इस सेंटेंस में अगर हम कहें सी वॉक्ड टू हर ट्यूशन दैट इवनिंग, सी वॉक्ड वह चली, पैदल चली, कहाँ चली भाई, टू हर ट्यूशन, अपने ट्यूशन के तरफ गई, दैट इवनिंग उस शाम में, ठीक है। दैट मेरा क्या है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो कि इवनिंग नाउन को बता रहा है, यानी कि डेमोंस्ट्रेटिव मतलब निश्चित चीज को बता रहा है, किसको, तो उस शाम में गई, पैदल गई टू हर ट्यूशन, अपने ट्यूशन में पढ़ने के लिए। अब ट्यूशन तो मेरा नाउन होता है और हर क्या हो गया, हर हो गया मेरा पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। थिंकिंग, सोचते हुए, अब यहाँ पर देखते हैं थिंकिंग में क्या किया जा रहा है, थिंकिंग में देखते हैं, थिंक मेरा वर्ब होता है और आई एन जी लगा करके लिखा गया थिंकिंग, तो इसके पहले, थिंकिंग के पहले कहीं भी बी फैमिली का वर्ब नहीं है, मतलब इज, एम, आर तो है नहीं, तो फिर थिंकिंग हम लिखेंगे कैसे, यानी कि कॉमा भी दिया गया और थिंकिंग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या फिर ये जिरांड होगा। तो थिंकिंग अबाउट एसे, एसे के बारे में सोचते हुए, यहाँ पर नाउन है, यानी कि नाउन का काम कर रहा है, यानी कि ये जिरांड है। थिंकिंग अबाउट, अबाउट मेरा प्रीपोजिशन हो रहा है जो इस एसे को मॉडिफाई कर रहा है। थिंकिंग अबाउट द एसे, एसे के बारे में सोचते हुए वह अपना ट्यूशन जा रही थी। सी हैड टू नेगोशिएट मैनी मड पडल्स, पडल्स मतलब होता है रोड में जो छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं उसको बोला जाता है, एंड काउ पेट्स, और काउ के जो डंग्स रहते हैं उनको बोला जा रहा है काउ पेट्स। एंड सी हैड टू नेगोशिएट, करना पड़ता था, जैसे आई हैव टू गो, हम लोग लिखते हैं
अगर यहाँ पर हैड के जगह हैव रहता हैज रहता तो सी हैज टू नेगोशिएट, उसको समझौता करना पड़ता था, करना पड़ता है। हैज रहेगा तो हैज अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहता तो हम लोग बोलते करता है, लेकिन हैड लिखा हुआ तो सी हैड टू नेगोशिएट, उसको समझौता करना पड़ता था। मेनी क्या चीज़ के, मेनी अनेक एडजेक्टिव हो रहा है। मड मड पडल्स यानी कि मड मतलब मिट्टी का हो गया और पडल्स मैंने जो गड्ढे हो जाते थे रोड में उनसे समझौता करना पड़ता था। एंड काउपेट्स एलोरी स्वेर्व्ड स्वेर्व्ड एलोरी लोरी जो होता है देखते हैं 10 या 12 चक्के का जो मालगाड़ी होता है जिसमें हैवी लोड्स को कैरी किया जाता है उसको लॉरी बोला जा रहा है। स्वेर्व्ड छोड़ा सो नियर स्वेर्व्ड नहीं नहीं छोड़ना नहीं है स्वेर्व्ड मतलब मुड़ना हो जाता है बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को घुमाना या मुड़ना। ए लॉरी स्वेर्व्ड इतना तेज़ी से सो नियर उसके नज़दीक हर उसके बहुत नज़दीक से सो नियर हर मतलब सो मतलब यहाँ पर नियर 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 मेरा नाउन हो रहा है हर प्रो नाउन हो रहा है और सो मेरा यहाँ पर इतना नज़दीक से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक लॉरी उसके इतने नज़दीक से घुमा दैट की कंजक्शन है सी हैड टू जंप सी हैड टू जंप उसको उछलना पड़ा था। प्लम्ब इनटू अ क्वैग मीर ऑफ मड एंड डंक उसको एक क्वैग मीर किसको बोलेंगे दलदली जैसा जो पानी और मान लीजिए मिट्टी कीचड़ नुमा हो जाता है काफ़ी दलदल रहता है गीला रहता है उसको क्वैगमर बोला जा रहा है। ऑफ मड एंड डंक के दलदली से में उछलना पड़ा था। थिक ब्लैक डीजल फ्यूम्स मोमेंटरली चॉक्ड हर थिक थिक माने होता है जो थोड़ा गहरा होता है गहरा बोलें तो जैसे दही हो गया मोबिल हो गया ये सब थिक होता है। और ब्लैक डीजल डीजल मेरा नाउन हो गया ब्लैक मेरा एडजेक्टिव हो गया। फ्यूम्स धुआं मोमेंटरेली कुछ क्षण के लिए चॉक्ड हर मतलब उसको कुछ देर के लिए वो अचंभित हो गई यानी कि बिल्कुल ही श्वास नहीं ले पाई सफोकेट हो गई इस तरह का दम घुटने लगा इस तरह का। थिक ब्लैक डीजल फ्यूम्स जो थिक थे घने थे काले डीजल के धुएं जो थे मोमेंटरीली चॉक्ड हर कुछ क्षण के लिए उसे हर मेरा यहाँ प्रोनाउन हो रहा है उसे क्या किया वो कुछ देर के लिए सफोकेट होकर गई मतलब उसका धुंधला गई। व्हेन सी फाइनली रीच्ड हर क्लास लेट यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर देखेंगे एक्सक्लामेटरी का मार्क दिया हुआ है। व्हेन सी फाइनली रीच्ड व्हेन जब सी वह मेरा भर्ब सब्जेक्ट हो रहा है रीच्ड मेरा भर्ब हो रहा है रीच्ड हम इस सेंटेंस में ये भी लिख सकते हैं व्हेन सी रीच्ड हर क्लास ये भी लिख सकते हैं। अब फाइनली लिखा जा रहा है इस ये एडवर्ब है और इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए लिखा गया है। When she finally reached, जब वह अंततः पहुंची हर क्लास अपने क्लास में हर यहाँ पर तो मेरा प्रोनाउन था लेकिन हर मेरा यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्लास को मॉडिफाई कर रहा है। हर क्लास लेट लेट से आई ऑल नोटिस्ड हर स्मेली फिट ऑल ऑल मेरा यहाँ पर प्रोनाउन है मतलब उस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए थे उनके लिए लाया गया ऑल मतलब सभी ने नोटिस्ड वर्ब हो रहा है ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब हो रहा है सभी ने ध्यान दिया हर उसके स्मेली फिट फिट मने पर और स्मेली दुर्गंध करते हुए फिट को ध्यान दिया। टुडे वी विल स्टडी हाउ ओजोन लेयर इज अफेक्टेड द टीचर विगन एंड स्नेहा प्रिक्ड अप हर ईयर्स यहाँ पर अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखते हैं टुडे मतलब आज ये तो नाउन हो गया वी प्रोनाउन हो गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। विल फ्यूचर में बता रहा है इसको वी विल स्टडी हम लोग पढ़ेंगे विल का ऑब्जेक्ट हो गया स्टडी। हाउ ओजोन लेयर इज अफेक्टेड हाउ किस प्रकार से क्या ओजोन लेयर इज अफेक्टेड प्रभावित हो रहा है हाउ मतलब किस प्रकार से ओजोन लेयर
ओजोन लेयर हमारा होता है जो हमें सूर्य की किरणों से बचाता है, यानी कि सूर्य का जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है उससे ये प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर। हाउ ओजोन लेयर, किस प्रकार से ओजोन लेयर इज अफेक्टेड, प्रभावित हो रहा है, इज अफेक्टेड, इज प्लस वी थ्री यूज किया गया, मतलब पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इज अफेक्टेड द टीचर बिगन, शिक्षक ने, बिगिन का वी टू यूज किया गया है, बिगिन बिगेन बिगन होता है, शिक्षक ने शुरू किया, एंड और कंजक्शन हो रहा है, स्नेहा स्नेहा ने प्रिक्ड अप, पिक्ड अप तो मेरा फ्रेजल वर्ब हो रहा है और पिक्ड मतलब होता है वैसे इरेक्ट होता है मतलब खड़ा हो जाना, स्नेहा पिक्ड अप हर ईयर्स, हर मेरा यहाँ पर हो रहा है पॉसेसिव एडजेक्टिव है और ईयर्स मेरा कान है, यानी कि स्नेहा ने अपने कान खड़े कर दिए, यानी कि किसी की बातों को वो काफ़ी ध्यान से सुनने लग गई थी, पिक्ड हर ईयर्स कहने का मतलब है कान खड़े कर देना, मतलब किसी की बात को वो काफ़ी ध्यान से सुन रही थी, दिस माइट हेल्प इन द एशे, दिस माइट हेल्प इन द एशे, दिस मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, माइट हेल्प, दिस माइट हेल्प यहाँ पर एग्जेक्टिव नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, दिस माइट हेल्प संभवतः मदद करेगा इन एशे रचना लिखने में, शी कुड विन द प्राइज, कुड सी विन द प्राइज, क्या अब जैसे इज ही ए बॉय, अगर क्या वह लड़का है तो इज हम लोग पहले लिखते हैं, इसलिए कुड शी विन द प्राइज, क्या वह प्राइज, सब्जेक्ट मेरा हो रहा है सी, विन मेरा हो रहा है वर्ब, प्राइज मेरा विन का ऑब्जेक्ट है, तो कुड सी विन प्राइज, क्या वह प्राइज जीत सकती थी, देयर वॉज परीक्षा हु हैड ए कंप्यूटर टू राइट, देयर देयर का यहाँ पर देखिए ऐसे सेंटेंसों में देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है, ये इंट्रोडक्टरी देयर लिखा जाता है, यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें कोई मेन सब्जेक्ट ना हो हम लोग उसको देयर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, देयर वाज परीक्षा, परीक्षा थी, हु जिसके पास, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट परीक्षा है, परीक्षा के लिए भी बोला जा रहा है और यहाँ भी आगे भी बोला जा रहा है, देयर वाज परीक्षा हु जिसने, जिसके पास, ही हैड जिसके पास था, क्या था, हैज नहीं, हैव हैड लिखा गया मतलब था, ए कंप्यूटर, कंप्यूटर था टू राइट लिखने के लिए, कंप्यूटर टू राइट लिखने के लिए, यानी कि टू राइट मेरा यहाँ पर इन्फिनिटिव का काम कर रहा है जो कि नाउन के तरह यूज़ किया गया, ये वर्ब एक्शन वर्ड नहीं हो रहा है यहाँ पर, हु हैड ए कंप्यूटर जिसके पास एक कंप्यूटर था टू राइट लिखने के लिए, एंड चेक हर, चेक मतलब क्या होता है भाई, चेक मतलब तो जाँचना होता है, चेक हर, अब उसकी क्या जांच हो रही थी, चेक हर, जस्ट ए मोमेंट, यस ओके, चेक हर स्पेलिंग, अब उसकी स्पेलिंग को चेक करने के लिए कंप्यूटर से वो चेक करवाती, स्पेलिंग्स एंड प्रिंटर, और प्रिंटर एक मशीन होता है जिसमें हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंटर टू प्रिंट, टू प्रिंट छापने के लिए, टू प्रिंट यानी कि यहाँ पर ये यहाँ पर ये भी इन्फिनिटिव का काम कर रहा है और प्रिंट को क्वालिफाई कर, ए प्रिंटर यानी कि ये एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इन्फिनिटिव मेरा नाउन को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को भी वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, तो टू प्रिंट मेरा यहाँ पर क्या कर रहा है, इस प्रिंटर, प्रिंटर नाउन के चीज़ को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ए प्रिंटर टू प्रिंट छापने के लिए था एक प्रिंटर हर एसे उसकी रचनाओं को, स्नेहा फेल्ट, स्नेहा ने महसूस किया, स्नेहा मेरा सब्जेक्ट हो रहा है और फेल्ट मेरा वी टू यूज़ किया गया है, महसूस किया, सी हैड नो चांस उसके पास नहीं था कोई चांस, कोई उपाय नहीं था, कोई अवसर नहीं था, ऑफ ऑफ बीटिंग परीक्षा, सी हैड नो चांस उसके पास कोई अवसर नहीं था, मौका नहीं था, ऑफ बीटिंग हराने का, ऑफ मेरा प्रीपोजिशन हो रहा है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो लिखा जाएगा वो एक नाउन होगा और यहाँ पर नाउन होगा इसका मतलब बीटिंग में जिरांड का काम कर रहा है, परीक्षा को हराने का कोई चांस नहीं था, शो डिडंट यूज सी एफ सी परफ्यूम स्प्रे,
सो इसलिए डिडंट सॉरी 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 सो डू नॉट यूज डोंट यूज ठीक है. सी एफ सी परफ्यूम स्प्रे. सी एफ सी क्लोरो फ्लोरो कार्बन होता है. सी एफ सी मतलब क्लोरो फ्लोरो कार्बन होता है. परफ्यूम यानी कि जो परफ्यूम हम लोग लगाते हैं बॉडी में जो लगाते हैं सुगंध स्प्रे स्प्रे जो हम लोग लगाते हैं उस वो सी एफ सी का ही परफ्यूम बनता है. और उसको टीचर बोल रहे हैं द टीचर कंक्लूडेड द लेक्चर. कंक्लूडेड अंत किया और टीचर मेरा सब्जेक्ट हो गया. कंक्लूडेड मेरा V2 हो गया. द लेक्चर जो शिक्षक पढ़ा रहे थे उसको पूरा किया. व्हाट हॉरिड परफ्यूम सम गर्ल्स यूज. व्हाट हॉरिड कैसे भयावह परफ्यूम्स सुगंध सम गर्ल्स कुछ लड़कियां यूज करती हैं. एक्सक्लामेटरी नोटेशन दिया हुआ है. व्हाट हॉरिड परफ्यूम सम गर्ल्स यूज कैसे भयावह मतलब क्या उसको बोलते हैं कड़ा या जो बिल्कुल ही लोगों को पसंद ना लगे वैसा परफ्यूम कुछ लड़कियां यूज करती हैं. प्रीटी एंड स्मार्टली ड्रेस्ड प्रिया सेड. अब ये कौन बोल रहा है प्रिया सेड. प्रिया ने कहा. अब प्रिया का ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है. हम इसको ना भी लिखें तब भी चलेगा लेकिन सेंटेंस को दमदार यानी कि काफ़ी पावरफुल और थोड़ा इम्प्रेसिव बनाने के लिए हम लोग प्रीटी सुंदर और एंड स्मार्टली ड्रेस्ड सुंदर और स्मार्टली काफ़ी सजे धजे ड्रेस पहने हुए ड्रेस्ड पहनी हुई प्रिया ने कहा. पॉइंटिंग एट स्नेहास फिट. पॉइंटिंग दिखाते हुए एट स्नेहास फिट. स्नेहास ये मेरा पोसेसिव नाउन कहलाता है. स्नेहा के फिट को दिखाते हुए सुंदर सजी धजी प्रिया ने कहा. ऑल बॉयज एंड गर्ल्स लाफ. ऑल सभी लड़के तो ऑल यहाँ पर हमारा क्या हो गया. ऑल हमारा यहाँ पर ऑल मेरा यहाँ पर प्रोनाउन यूज नहीं किया गया है. ऑल सभी यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है. सभी लड़के और लड़कियाँ लाफ्ड हंस पड़ी. स्नेहा फेल्ट हर ईयर्स बर्न. स्नेहा ने महसूस किया. क्या महसूस किया. हर ईयर्स बर्न कि उसके कान जल रहे हैं यानी कि उसको जो भी वो हंस रही थी वो बिल्कुल ही उसको अच्छा नहीं लगा. प्रिया टुक आउट ए परफ्यूम स्प्रे एंड स्पेटर्ड हर सेल्फ विथ इट. प्रिया मेरा सब्जेक्ट हो रहा है. टुक आउट बाहर निकाली. टुक मतलब होता है टेक मतलब लेना होता है. टुक आउट मतलब बाहर निकालना होता है. V2 यूज़ किया गया है. प्रिया ने निकाला ए परफ्यूम स्प्रे यानी कि सुगंध का स्प्रे निकाला एंड स्पेटर्ड हर सेल्फ विथ इट और स्पेटर्ड अपने आप को उस परफ्यूम से जहाँ तहाँ छिड़क ली यानी कि थपथपा ली. ए प्लीजेंट विफ सुगंध. विफ माने सुगंध. प्लीजेंट मतलब काफ़ी खुशनुमा जिसको आपको बहुत अच्छा लगेगा फीलिंग दिलवाएगा. ऑफ जास्मिन विफ्टेड पूरे हवा में फैल गया. विफ्टेड मीन्स हवा में फैल जाना. विफ WHIFF विफ माने हो गया सुगंध. ऑफ जास्मिन जास्मिन का सुगंध जो था विफ्टेड अच्छे वर्ड हैं. विफ और विफ्टेड दोनों ही बहुत अच्छे वर्ड हैं. इनको मेमोरी में रखा जा सकता है. विफ्टेड हवा में फैल जाना. एट लास्ट अंत में आई डू नॉट स्पॉइल द ओजोन लेयर विथ CFC. क्या बोल रही है. एट लास्ट अंत में आई डू नॉट स्पॉइल मैं बर्बाद नहीं करती हूँ. तातेती का नेगेटिव सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं तो डू नॉट स्पॉइल बर्बाद नहीं करते हैं. किसको नहीं कर रही है. द ओजोन लेयर को वो बर्बाद नहीं कर रही है विथ CFC के साथ. CFC वाले परफ्यूम के साथ वो बर्बाद नहीं करती. विथ मेरा प्रीपोजिशन है. स्नेहा सेड स्नेहा ने कहा. पॉइंटेडली एंड पॉइंटेडली दिखाते हुए एंड स्टैम्प्ड आउट पैर पटक करके बाहर चली गई. बैक होम स्नेहा आस्क्ड हर डैड. बैक होम बैक मने वापस. होम मने घर. बैक होम घर वापस आकर स्नेहा ने कहा. स्नेहा आस्क्ड के कहा. V2 यूज किया गया है. हर डैड और डैड मतलब फादर और हर यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया. हर फादर से कहा. इफ ही वुड बाय हर ए न्यू बाईसाइकिल. इफ मेरा कंजक्शन का काम कर रहा है. ही वह यानी कि ये
ही जो प्रोनाउन यूज किया गया है डैडी के लिए यूज किया गया है। ही वुड बाय वह खरीद देंगे, हर उसको ए न्यू बाइसाइकिल नया साइकिल खरीद देंगे। नॉट पॉसिबल नाउ डियर प्रिया, ही सेड उसने कहा, किसने कहा, ही प्रोनाउन यूज किया गया उसके फादर के लिए। ही सेड उन्होंने कहा, क्या कहा, नॉट पॉसिबल संभव नहीं है नाउ अभी, डियर प्रिया स्नेहा न्यू, स्नेहा जानती थी, भी टू का यूज किया गया है, स्नेहा जानती थी, दे वर नॉट सो रिच, वे लोग इतने धनी नहीं हैं, सो रिच, दे वर नॉट सो रिच, वे प्रोनाउन यूज किया गया है, मतलब स्नेहा और उसके होल फैमिली के लिए यूज किया गया है, दे वर नहीं थे, नॉट मतलब नहीं और वर मतलब थे, दे वर नॉट सो रिच, वे इतने धनी नहीं थे। They were not so rich, but my back will break. But लेकिन my मेरा back मैंने यहाँ हो रहा है पीठ, back से हमारा मतलब है यहाँ पीठ। My back will break, मेरी पीठ टूट जाएगी if मेरा कंजक्शन है I carry, अगर मैं ढोती हूँ my school bag, मैं अगर मैं अपने school bag को पीठ में ढोती हूँ तो वो टूट जाएगा। Dad पापा, I will buy you a second hand bike soon. We will buy, हम खरीद देंगे you तुमको a second hand bike, एक दूसरा second hand मतलब first hand नहीं, नया नहीं, किसी का चलाया हुआ second hand बोलते हैं, bike soon जल्दी ही खरीद देंगे। Dad assured, dad ने यह सुनिश्चित किया, यानी कि स्नेहा को विश्वास दिलाया। late that night मेरा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस नाइट के मॉडिफाई कर रहा है। दैट नाइट उस रात, लेट मतलब देर से, उस रात देर से, आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क, आफ्टर फिनिशिंग आफ्टर मेरा यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, कंजक्शन नहीं है। आफ्टर फिनिशिंग मेरा यहाँ जिरांड हो गया, यानी कि ये नाउन हो गया। After finishing her homework, her possessive adjective हो गया और her homework noun हो गया। उस रात देर से अपने homework पूरा करने के बाद, after, स्नेहा ने अभी किया था, just मैंने तुरंत उसी क्षण, had begun शुरू किया था, had past tense में हो रहा है, स्नेहा हैड जस्ट बिगन, स्नेहा ने अभी शुरू ही किया था, जॉटिंग डाउन सम पॉइंट्स ऑफ हर एसे, जॉटिंग डाउन यानी कि कुछ पॉइंट्स को वो लिखने के लिए, लिखना अभी शुरू ही किया था। व्हेन तभी, हर ग्रैंड मदर उसकी दादी माँ ने, व्हेन तभी ये तो एडवर्ब होता है, कुछ एडवर्ब ऐसे भी होते हैं जो कंजक्शन का भी काम करते हैं। व्हेन हर ग्रैंड मदर रिमाइंडेड, या स्मरण दिलाया हर उसको, अबाउट इवनिंग प्रेयर्स के बारे में उसको याद दिलाया। व्हाट अबाउट माय एसे, मेरे एसे का क्या होगा, क्वेश्चन कर रही है ये, व्हाट अबाउट माय एसे, मेरे एसे का क्या होगा, स्नेहा पटेड बहुत धीरे से बोली। ग्रैंड मदर मुस्कुराई, भी टू का यूज किया गया है, एंड मेरा कंजक्शन है। जेंटली रिमाइंडेड बहुत आराम से, दुलार से, रिमाइंडेड उसको याद दिलाई, हर उसको, हर किसके लिए है, ये प्री प्रोनाउन है और स्नेहा के लिए लाया गया है। दैट दे हैड टू रिमेम्बर गॉड, कि दैट मेरा कंजक्शन हो गया, दे मेरा प्रोनाउन हो गया है, यानी कि स्नेहा और उसके फैमिली में जितने मेंबर्स थे उसके लिए यूज़ किया गया है। सी हैड टू रिमेम्बर, उनको स्मरण करना पड़ता था, याद करना पड़ता था, गॉड इनको याद करना था, भगवान को, एट लीस्ट कम से कम, वंस एक बार, एवरी डे प्रत्येक दिन, डे मेरा नाउन है और एवरी मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव कहलाता है, वंस मेरा एडवर्ब है, यहाँ पर एडवर्ब जो है किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है। प्रत्येक दिन कम से कम एक बार, वंस एवरी डे, एट लीस्ट कम से कम, दे हैड टू रिमेम्बर, उनको याद करना पड़ता था, किनको, भगवान को। स्नेहा रिलुक्टेंटली बिगन प्रेयर्स, स्नेहा ने अनिच्छा से,
मतलब उतना मन लगा करके नहीं, बिगेन प्रारंभ किया प्रेयर्स प्रार्थनाओं को शुरू किया, द नेक्स्ट डे अगले दिन, नेक्स्ट मतलब अगला हो गया और ये मेरा प्रीपोजिशन होगा, नेक्स्ट डे अगले दिन, परीक्षा एंड सिद्धार्थ, परीक्षा और सिद्धार्थ, शोड दिखाया, ये शोड दिखाया, क्या दिखाया, द रफ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट होता है किसी चीज़ का, हम लोग जो छोटा मोटा खाका रूपरेखा बनाते हैं उसको बोला जा रहा है, रफ मतलब फेयर नहीं, रफ किया हुआ, ऑफ देयर एसेज, अपने अपने एसे का रफ ड्राफ्ट दिखाया, टू देयर टीचर्स, टू देयर टीचर अपने शिक्षक को दिखाया, वाइल स्नेहा हैड नॉट बिगन, वाइल जबकि कंजक्शन का काम कर रहा है, स्नेहा हैड नॉट इवन बिगन, स्नेहा हैड नॉट नहीं की थी बिगन प्रारंभ, इवन क्या हो गया, एडवर्ब हो रहा है, स्नेहा हैड नॉट इवन बिगन, स्नेहा ने अभी तक शुरू भी नहीं किया था,